भगवान शिव और राम भारत की आत्मा है, जन जन के प्राण है। 100 करोड़ हिंदुओं की प्राण वायु केवल काशी मथुरा या अयोध्या में रहकर ही नहीं उस मंदिर से बहती, बल्कि जो आपके समीप के मंदिर हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं हिंदुत्व का परिचय कराते हैं। एक ऐसा ही दृढ़ संकल्प के साथ सैकड़ों वर्ष पुराने कानपुर नगर के जाजमऊ क्षेत्र स्थित बाबा हरदेव मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य अनवरत चल रहा है, जिसे विधर्मियों के द्वारा दूषित किया गया। मंदिर के जीर्णोद्धार एवं कायाकल्प का बीड़ा उठाया विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय संयोजक राजीव महाना जी ने, उपाध्यक्ष आनंद सिंह एवं बजरंग दल संयोजक आकाश यादव और उनके साथियों ने। 22 जनवरी को हरदेव मंदिर में भी दीपोत्सव होगा, क्योंकि राम और उनके आराध्य शिव केवल अयोध्या में ही नहीं पतित पावनी गंगा के तट पर भी बरसों बाद पुनर्स्थापित होने जा रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रशांत झा के साथ देखेंगे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत कुमार झा, जैसा कि आपको पूर्व से दिखाता चला आ रहा हूँ, जाजमऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत मोतीनगर में एक हरदेव बाबा का मंदिर जो कि प्राचीन समय से था। यहाँ पर कुछ विशेष समुदाय के लोगों द्वारा मंदिर को विलुप्त करने का काम शुरू हुआ। उस पर विश्व हिंदू परिषद बजरंगल के जिला उपाध्यक्ष आनंद सिंह को सूचना मिली, उन्हीं के साथ जिला संयोजक आकाश जी मौके पर आए और मंदिर के पुनरुत्थान का बीड़ा उठाया। उसी क्रम में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंगल के प्रांत अध्यक्ष श्री राजीव महाना जी आए और मंदिर में नारियल तोड़कर उसका जीर्णोद्धार का काम शुरू कराया। आइए बात करते हैं राजीव महाना जी से। भैया आज कहाँ आए हुए हैं और क्या कार्यक्रम है? आज सभी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता जो मोतीनगर क्षेत्र है इसमें आए हुए हैं, केडीए कॉलोनी के अंतर्गत। इसमें ये बहुत पुराना, वर्षों पुराना जो हमारा मंदिर था वो बड़ी जीर्णशीर्ण हालत में था, उसके जीर्णोद्धार के लिए हम सब कार्यकर्ता बंधु यहाँ पे इकट्ठे हुए और यहाँ पे जो हिंदू हैं उनके सबके सहयोग के साथ इस मंदिर का कायाकल्प करने के लिए हम जाए करते हैं। जैसा कि जाजमऊ क्षेत्र में ऐसे कई प्राचीन मंदिर हैं जिन्हें विशेष समुदाय द्वारा दबा दिया जा रहा है या खत्म कर दिया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? हम लोग देखिए प्रयास चल रहा है कि इस प्रकार के जो मंदिर हैं उनको हम चिन्हित करें और उनको चिन्हित करके उनका किसी भी हालत में अगर हैं, अगर वो वहाँ पे किसी प्रकार का अतिक्रमण हुआ है उसमें, तो उसको हम दूर करके हम दोबारा से उसका जीर्णोद्धार करें और पूरा भव्य मंदिर वहाँ पे बनाएं। ठीक है, थैंक यू।